wearing Tamanna's outfit and come here. And it's new season is coming up, new clothes are coming in, so reason to celebrate, reason to come together and wear new clothes. मुझे इंडो-वेस्टर्न कपड़े बहुत पसंद है और आज शादी का माहौल चल रहा है तो बहुत फ्रेंड्स लोग शादी कर रहे हैं तो बहुत इंडियन वेयर्स चाहिए एंड सम नाइस फंकी येट एथनिक इंडियन वेयर्स इट्स कमिंग आउट इन द मार्केट एंड दैट्स व्हाट तमन्ना इज मेड फॉर मी एंड आई थिंक इज फैंटास्टिक. मेरा मानना तो ये है कि समर्स में जैसे लड़के लोग कम कपड़े पहनते हैं, लड़कियों को भी पहनने चाहिए कम, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तान में लड़कों की आंखें नज़रें उतनी अच्छी नहीं है. बेसिकली इंडिया में हमारा कल्चर ऐसा है कि यू नो इट्स डिफ़िकल्ट कि गर्मी भले कितनी गर्मी हो लड़की को सब कुछ पहनना पड़ता है, बट समर्स में आई प्रेफर लूज पलाजो पैंट्स, लूज स्कर्ट्स, ऐसे लूज क्रॉप टॉप्स जहाँ थोड़ी हवा हवा लगती रहे. आई एम रियली प्राउड ऑफ हर एज अ डिज़ाइनर क्योंकि सारे डिज़ाइनर्स ऑफकोर्स बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं, बट इन्होंने इंडिया को बहुत ही ब्यूटिफुल तरीके से एम्यूलेट किया है ये क्रिएशन में. अगर किसी से भी आप पूछे कि ये क्रिएशन क्या है, ये डिज़ाइन क्या है, कोई भी बोलेगा वेस्टर्न है, मॉडर्न है, फ्यूजन है, बट यू नो एट द सोल ऑफ दिस आउटफिट ऑफ दिस क्रिएशन इज इंडियन. जब मैं इंडिया से बाहर जाती हूँ तो वेस्टर्न क्लोथ्स तो पहनती हूँ बट इंडिया नहीं होता मेरे कहीं कपड़ों में, बट दिस विल कीप मी कनेक्टेड टू इंडिया एंड इंडिया सोल थ्रू आउट एवरीवेयर वेयरएवर आई गो. सो आई एम रियली हैप्पी.